तो बात कर लेते हैं पठान मूवी की रिव्यू हम कितना देना चाहेंगे। कल था 26 जनवरी हैप्पी रिपब्लिक डे, आज है 27 जनवरी हैप्पी बर्थडे टू मी। और अभी आए हैं पठान देखने, तो मूवी रिव्यू आपको बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। 4:25 का शो है, 4:30 हो गया है, तो अभी मूवी शुरू ही होगी, तो बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। मॉल के बजट में 35 रुपये का फ्यूज, यही मेरे बजट में है। बिना टाइम गवाए आपको रिव्यू दे देते हैं 10 में से 7। मूवी ठीक ठाक थी, बढ़िया थी, और क्या ही कहे, शाहरुख खान भाई शाहरुख खान है तो ठीक है, मजा आया। पर मेरी माने तो आप तभी देखने जाएं जब आपके पास पैसा हो, टाइम हो और आप बोर हो रहे हो, तब वो जाएं मूवी देखने तो मजा आ जाएगा। पर सलमान खान का कैमियो है जिससे मूवी एकदम मजेदार बन जाती है, तो जरूर ठीक है। इस चीज के लिए बॉलीवुड को 10 में से 7 तो मिलना ही चाहिए कोशिश के लिए। जिसको बस रिव्यू देखना था, यहाँ तक रिव्यू खत्म होता है। अब हम अपना थोड़ा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। डिस्क्लेमर, अगर किसी को इससे ठेस पहुँचता है या फिर सुन के अच्छा नहीं लगता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो खैर, एडिटिंग की बात करें तो ठीक, एडिटिंग अच्छा था। कहीं कहीं जैसे एक सीन था कि कार बाइक से लड़ी पर कार में डैमेज ही नहीं हुआ, और फिर यही सब था छोटा मोटा। अब एडिटर हम देख रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी भी बढ़िया थी। उस गाना जो था मूवी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, पर कोई बात नहीं, मूवी बढ़िया थी, देखने लायक। और क्या बताया जाए, ये बात यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स को लेके तो बहुत ही अच्छी बात है, जो जिसमें आगे चल के ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, जैसे कबीर आए, कबीर कौन सा वार मूवी थी, उसमें ऋतिक रोशन थे, टाइगर में सलमान खान, पठान में शाहरुख खान, तो तीनों शायद आगे चल के आगे हमें देखने को मिले 1-2 साल बाद जो भी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक चीज़ जो मुझे लगती है, शायद मुझे ही लगता हो कि आइनॉक्स सिटी मॉल में शायद वॉल्यूम ज़्यादा ही रखते हैं, सब सिर पकड़ने लगता है, और बगल में जो इत्र की खुशबू थी वो तो खैर क्या ही करे, पर हमें लगता है आइनॉक्स सिटी मॉल वाले ज़्यादा वॉल्यूम तेज रखते हैं। पर बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, बस इत्र से जो दिमाग सर चढ़ा था, अरे बाप रे, पूरा हॉल इत्र, भाई लोग थोड़ा हल्का फुल्का सेंट लगा के आ जाया करो यार। और शाहरुख खान ने तो गजब काम, और सलमान खान आए भाई तो यही बात है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. मैं भी कभी कभी सोचता हूँ 30 साल हो गए यार, अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारी जगह लेगा कौन?